नमस्कार दोस्तों, 80/ST एक्ट पर जो पीछे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसके ऊपर केंद्र सरकार ने अपनी याचिका लगाई थी और कही थी कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले को उचित ठहराया है और कोर्ट ने कहा है कि जो शीर्ष अदालत है, कानून बने हैं जो विधायिका में, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आप यहाँ देख सकते हैं, वेणुगोपाल ने अनुसूचित जाति जनजाति कानून से संबंधित मामलों में शीर्ष अदालत के फैसले को वरिद्ध पीठ को सौंपने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस व्यवस्था की वजह से काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ है और फैसले को इसको बदला जाए। वेणुगोपाल जो हैं अटॉर्नी जनरल हैं केंद्र सरकार के। पीठ ने अपने 20 मार्च के फैसले को न्यायोचित ठहराते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति कानून पर अपनी व्यवस्था के बारे में निर्णय करते समय शीर्ष अदालत ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं और फैसलों पर विचार किया था। पीठ ने कहा कि वह 100% इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और उन पर अत्याचार के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के पक्ष में है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा केंद्र सरकार को झटका दिया है। केंद्र सरकार चाहती थी कि एक्ट में जो बदलाव किया है सुप्रीम कोर्ट ने वो वापिस हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको यहाँ बताते चलें कि जो केंद्र ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचारों की रोकथाम कानून 1989 का जो कानून बनाया था उसके तहत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधानों में कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने के शीर्ष अदालत के 20 मार्च के फैसले पर पुनर्विचार के लिए 2 अप्रैल को न्यायालय में याचिका दायर की थी।